नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन में बिल्कुल ठीक पढ़ा है। 2023 में अगर हम बोलें तो 100% सरकारी नौकरी एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो बात करते हैं किस वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएट कैंडिडेट और फाइनल ईयर का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट है, अगर उस डेट तक आपको लगता है कि आपका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें आपका ग्रैंड टोटल होता है, तो आप भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कितने साल का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, कुछ पोस्टों में मिनिमम एज 20 साल है। तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक कई पोस्टों में बच्चा जनरल का भर सकता है। कुछ पोस्टों में 30 साल तक एज है और एक दो पोस्टों में 32 साल तक एज है। तो वहां से आप एज चेक कर सकते हैं, इस साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 3 अप्रैल 2023 से। एक महीने का मोर देन सफिशियंट टाइम हमारे पास है, 3 मई 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की है, एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर की पोस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी ऑफिसर की पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, दिल्ली मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री में पोस्ट है। तो बहुत जबरदस्त वैकेंसीज हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, बहुत अच्छे से फॉर्म को भरिए और जल्दी से फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको इसके एग्जाम्स पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि टायर 1 में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टायर 2 में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, या उसके अलावा जो और कुछ खास पोस्टें हैं जैसे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो जल्दी से वैकेंसी को भरिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।